स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में, मैं हूँ अर्जिता। अब कंपोस्ट के साथ साथ सूखे कूड़े का निस्तारण भी करना काफी आसान होगा। इससे कम समय में कूड़ा निस्तारित भी हो जाएगा और इससे निकलने वाली गैस भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। प्रयागराज शहर में उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ही अनूठा प्लांट लगा है जिसका नमूना राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव में देखने को मिला। इंडिया पब्लिक खबर के संवाददाता रघुनाथ कसौधन ने कूड़ा निस्तारण की अत्याधुनिक तकनीक को लेकर स्वच्छ भारत मिशन यूपी की डिवीजनल मैनेजर और प्लास्टिक वेस्ट की मॉडल ऑफिसर भूमिका पुरी से खास बातचीत की। आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके बारे में बताइए, प्लास्टिक टू फ्यूल फैसिलिटी ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसा प्लांट लगा है जिसमें हम हर तरीके के कचरे का निस्तारण कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से पहले जितने भी हम लोगों ने प्लांट या फैसिलिटी डेवलप करी है उसमें या तो सिर्फ गीले कूड़े से खाद बनाई जा रही थी या फिर जो RDF था वो उसको आगे हम सीमेंट फैक्ट्रीज को भेज रहे थे। मतलब दोनों के लिए अलग अलग प्लांट बनते थे। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा प्लांट बना है जिसमें हम कंपोस्ट के साथ साथ जो सूखा कूड़ा है उसका भी निस्तारण करते हैं। आप इधर से देखेंगे तो कचरा सबसे पहले इधर से आता है, उसका सेग्रीगेशन होता है ट्रॉमल के द्वारा, जितना भी गीला कूड़ा होता है उसकी खाद बनती है इधर में। ये हमने यहाँ पर एक ग्रीन पार्क डेवलप किया है। उसके बाद जितना भी ड्राई वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक हो गया या ऐसा जो प्लास्टिक जो आगे रिसाइकलेबल नहीं होते वो सब इस रिएक्टर के द्वारा, इस रिएक्टर में 460 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रहता है जिसमें प्लास्टिक को जलाया नहीं जाता। अभी तक जितने भी प्लांट है उसमें हम लोग प्लास्टिक को जलाते हैं, इसमें हम जलाते नहीं है, इसमें हम सिर्फ उसे डिसइंटीग्रेट करते हैं। उस डिसइंटीग्रेट प्रोसेस में सबसे पहले वहाँ से कार्बन डस्ट निकलती है, जितनी भी भाप होती है भाप डिस्टिल्ड वाटर के द्वारा नीचे कलेक्ट हो जाती है और जो भी गैस बनती है वो इस बलून में आती है और उसके बाद जितना भी ऑयल बनता है वो इस टैंक में कलेक्ट किया जाता है। दूसरी बात, इस पूरे प्लांट को चलाने के लिए कोई भी अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है। ये पहला ऐसा प्लांट बना है जो यहाँ पर एनर्जी डेवलप हो रही है उसी से ही वो एनर्जी ये प्लांट चलता है। जितनी भी यह गैस बनती है उसी गैस से ये प्लांट चलाया जाता है। स्टार्टिंग में जब हम इस प्लांट को ऑन करते हैं उसमें 40 लीटर के आसपास जो इसी में ऑयल बनता है उसी का उपयोग आता है। इसमें एक बार में इस प्लांट में कितने टन कूड़ा कन्वर्ट हो जाता है? ये अभी एक हमारा छोटा मॉडल था जिसमें कि हमारा सिर्फ 2 टन हम लोग प्लास्टिक वेस्ट जो होता है या फिर RDF मटेरियल जो होता है उससे हम फ्यूल बना पाते हैं। बाकी प्रयागराज में ये टोटल मॉडल जो कॉम्पोस्ट के साथ साथ बना हुआ है इसमें हम 50 से 70 टन से ऊपर हम लोग कूड़ा निस्तारण कर लेते हैं। जो कूड़ा निस्तारण सिर्फ प्लास्टिक टू फ्यूल वाला जो है ये हमारा 2 टन का मॉडल है। ये जो कूड़ा निस्तारण होता है इससे जो गैस आप बता रही बाद में निकलती है तो क्या ये एनवायरनमेंट के लिए घातक होता है? ये नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस है जो निकल रही है। प्लस जो इसकी कार्बन डस्ट निकलती है उसको आगे गोबर के साथ मिलाकर एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। जैसे आप मान सकते हैं जैसे कोयला होता है उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर उसे यूज किया जाता है। जैसे अब लखनऊ में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी लाखों टन कचरा निकलता है रोज यहाँ के वार्डों में, तो क्या ये उसके लिए अच्छा हो सकता है ये मॉडल? ये अभी हमारा जो प्लास्टिक टू फ्यूल मॉडल जो प्रयागराज में एज अ पायलट बेसिस पे हम रन कर रहे हैं, अभी ही आने वाले साल में हम लोगों ने 5 शहरों को और चिन्हित किया है जहाँ पर यही सेम प्लांट ऐसा ही एक बड़ी कैपेसिटी के साथ लगाया जाएगा। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के ही शहर आपने चिन्हित किए हैं? हाँ जी, ये उत्तर प्रदेश के ही शहर हमने चिन्हित करे हैं। आगे और क्या योजना है इसको बड़े लेवल पे लगाने की और सब चीजें करने की? ये फिलहाल को भी जोड़ा जाए उनको जानकारी। इस प्लांट में ही सिर्फ इस प्लांट में लगभग 100 से ज्यादा कर्मी काम करते हैं जो ये प्लांट लगने के बाद उनको रोजगार मिला है। ऐसे ही और वेस्ट फैसिलिटी प्रदेश में डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो सफाई कर्मी हैं या फिर रैक पिकर्स हैं उनको हम लोग एक अच्छा लाइवलीहुड
देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्वच्छ भारत मिशन में ही हूँ, स्वच्छ भारत भूमिकापुरी स्वच्छ भारत मिशन से ही हूँ। प्लास्टिक वेस्ट हैंडल करती हूँ। इसको कल प्रधानमंत्री जी ने भी ये मॉडल देखा, उसकी तारीफ की, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पर जितने ही सॉलिड वेस्ट के प्लांट लगे हैं सभी बहुत अच्छे हैं, बट ये एक यूनिक मॉडल था जिसमें हम लोग एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लस इस मॉडल में लगभग जो हमारी लागत आती है वो सिर्फ 2 लाख रुपए की आती है, जबकि जो रोज़गार की अगर हम बात करें तो लगभग 8 लाख रुपए तक हम इससे आय कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें और मॉडल चाहिए। अभी तक जितने भी मॉडल्स लगते हैं उनमें एक ड्रॉबैक ये रहता है कि हम प्लांट तो लगा लेते हैं बट उसका ऑपरेशन हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसे मॉडल यूपी में लाना चाहते हैं जो कि एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो, जिसको हम लगाएं और लगाने के बाद उनका संचालन उसी में जितना भी हम लोग चीज़ें बना रहे हैं उसी से वो कर पाएं। क्या योजना कंपनी की है कि आम ये कंपनी की योजना नहीं है, ये पूरी भारत सरकार ये उत्तर प्रदेश सरकार में ही हम लोग सारे जो प्राइवेट बॉडीज हैं उनके साथ मिलकर बेसिकली पीपीपी मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले अच्छा काम करने का, और सरकार के साथ उनको पूरी सपोर्ट दी जाती है। तो इसमें क्या आम लोग भी आराम से लगा सकते हैं ये प्लांट अगर लगाना चाहे? आम लोग ये प्लांट नहीं लगा पाएंगे, पूरा एक साइंटिफिक मॉडल है जो कि पूरी सिटी के लिए लगाया जा रहा है। अभी कोई ऐसी योजना नहीं है कि आगे लोगों को भी जोड़ना चाहिए? लोगों का जो भी कचरा निकलता है वही यहाँ पर आता है, डोर टू डोर जो हमारा डेली जो हमारी कचरे वाली गाड़ी हमारा कचरा लेकर जाती है वहीं से जितना भी कचरा जनरेट होता है उधर वही इस प्लांट में आता है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।